जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मुर्तजा खान। आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप देखते होंगे मैं हमेशा योगी आदित्यनाथ के कार्य के ऊपर सवाल उठाता रहता हूं। अगर वो कोई गलत काम करते हैं, चाहे वो गलत काम करें या कोई धर्म के आधार पर उनकी सरकार कोई भी काम करती है, वहां का प्रशासन कोई भी गलत काम करता है, कार्रवाई अगर करती है धर्म के आधार पर, तो सवाल उठाता हूं, सवाल पूछता हूं और आपको भी बताता हूं कि योगी सरकार और वहां का प्रशासन ये धर्म के आधार पर कर रहा है। अगर मुसलमान कोई काम गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, अगर वही काम दूसरे समुदाय के लोग करें तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये सवाल पूछता हूं, ये बताता हूं कि ये काम मुसलमान ने किया तो कार्रवाई की प्रशासन ने, पर यही काम अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने किया तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। तो इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपको आए दिन दिखाता रहता हूं। पर अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार और वहां का प्रशासन कोई अच्छा काम करे, वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे और कोई भी समुदाय का लोग गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई करे, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए और बताना भी चाहिए। उस योगी सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने ये किया है, वहाँ के प्रशासन ने ये किया है। तो ये वीडियो ऐसी ही होने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई और योगी आदित्यनाथ ने भेदभाव ना करने के लिए एक बड़ा बयान दे दिया है। हमने पिछले दिनों देखा है, पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई मुसलमान सड़क पर या कई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए, अगर उनकी वीडियो वायरल हो गई या फोटो वायरल हो गई तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई प्रशासन की तरफ से और FIR दर्ज कर दी गई और बहुत से लोगों को जेल भी भेजा गया। हमने फिर दूसरी तरफ ये देखा कि बहुत से दूसरे समुदाय के लोग हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ रहे थे, उनकी वीडियो फोटो काफी वायरल हुए पर उनके ऊपर FIR भी दर्ज नहीं हुई, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। तो ये धर्म के आधार पर ये चीजें हुई तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। पर अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, बड़ा बयान दिया है कि जब सड़क पर नमाज नहीं तो हनुमान चालीसा भी नहीं। जब ये बयान दिया तो ये बयान की तो तारीफ बननी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ बननी चाहिए कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। अगर सड़क पर नमाज पढ़ना कानून का उल्लंघन है तो उस नमाज पढ़ने पर सड़क पर कार्रवाई होगी, तो जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उनके लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो। सड़क पर ना तो नमाज होगी ना हनुमान चालीसा होगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो, हम आए दिन उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कर रही है, ये गलत काम कर रही है, भेदभाव कर रही है, जब वो अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ भी बनती है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।